अस्सलात वस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह वाला अलैक वसहाबिक या हबीबल्लाह। अस्सलात वस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह वाला अलैक वसहाबिक या हबीबल्लाह। अस्सलाम, दिस इज़ इकबाल कॉन्ट्रैक्टर लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड आई एम हियर विद वन ऑफ द मोस्ट मारूफ सना खां, बहुत फेमस सना खां यहाँ, और कारी भी है वो अलहाज कारी असदुल हक साहब। तो मैं उनसे उनको खुश आमदीद कहता हूँ। आप मोस्ट वेलकम टू द आवर प्रोग्राम। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। ये हमारा यू नो इट इज़ ऑनर टू यू नो लाइक हैव यू एट आवर प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। जी अल्लाह ताला आपको जजाकल्लाह। सलामत रखे। आप आमीन आमीन। हुजूर की नात से और हुजूर की नातखानों से आप बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन खुदा खैर आमीन। रखे। जजाकल्लाह। बस आपकी यू नो आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर हियर। ने बस आपको मैं वैसे आप कितने सालों से नाचखानी करते हैं वो मुझे जानना है। वैसे भी कारी तो हैं आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 साल से तो हो गया अरसा, 25 साल से ज़्यादा अरसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको आपको सुनाई दे रहा है मेरी और आवाज़ आ रही मुझे है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मुझे ऐसा लगा कि नहीं आ रही। तो बस मैं यही चाहता था कि यू नो यू आप न्यूयॉर्क के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और हमारे जो जानने पहचान वाले हैं सभी, मोस्टली क्राउड इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। वो पाकिस्तान इंडिया वाले तो अभी सो रहे ही होंगे क्योंकि अभी उनका शहरी का टाइम है ना, और उसके बाद वो लोग सुबह में देखेंगे, मगर अभी जो देखेंगे वो सब यहाँ न्यूयॉर्क कैनेडा और अमेरिका वाले देखेंगे ज़्यादातर। तो बस आपसे बस गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमदे बारी तला से शुरुआत करें। तो और उससे पहले मैं तिलावत कुरान से शुरुआत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी मैं ज़रूर पेश करता हूँ शुक्रिया। आपसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الله الرحيم. سبحان الله. الرحمن علم علم القرآن خلق الإنسان علمه سبحان البيان. الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر سبحان يسجدان الله سبحان الله. والسماء سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ألا تطغوا في سبحان الله الميزان سبحان الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله سبحان الله.
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما سبحان تكذبان؟ الله سبحان الله. بسم الله الرحمن سبحان الرحيم. الله سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. سبحان الله سبحان الله. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك سبحان الله فترضى. سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك سبحان الله سبحان الله. فأغنى. سبحان الله. أما اليتيم فلا تقهر، سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر، سبحان الله سبحان الله. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله صدق سبحان الله. الله سبحان الله ما شاء الله ما العظيم. شاء الله. बहुत खूबसूरत अपने तिलावत की, अल्लाह पाक आपको इसकी जजा दे बारक ما شاء الله. और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमदे बारी ताला से प्लीज जो नात पाक है ना, जो आपकी जो मोस्ट फेवरेट है, उससे आपसे बात करें. जी, मैं पेश कर रहा हूँ इकबाल भाई. अभी कुछ अरसे से एक बड़ा मारूफ कलाम है जी सैयद सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब का, तो उसे सब पढ़ते हैं. मैंने उसको अपने अंदाज में पढ़ा है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माशाल्लाह. पजीराई मिली है, तो मैं चंद अशआर पेश कर रहा हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम करम अल्लाह. अल्लाह करम. हाजिर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम. देती ती है सदा रहता ये ये चश्मे चश्मे दम, नम, अल्लाह अल्लाह करम करम अल्लाह अल्लाह करम. करम. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. जिन लोगों पे गए इन इनाम आते तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम नाम ते मेरा. मेरा. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. जिन लोगों पे गए इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा. मैं
मेरा रह जाए भरम करम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम करम अल्लाह अल्लाह करम हर साल तलब फरमा अमीन हमको अमीन हर सुमा अमीन शहर देखा दिखा हमको हमको हर अल्लाह साल तलब फरमा हमको हर साल वो शहर दिखा हमको हर साल करे हम तोफे हरम अल्लाह अल्लाह करम अल्लाह करम सुभान अल्लाह सुभान हर साल करे हम तोफे हरम अल्लाह अल्लाह करम अल्लाह करम सुभान अल्लाह देती है सदा ये ये जश्न चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह करम सुभान अल्लाह माशा जज़ाकअल्लाह अल्लाह हमारे साथ में है अल्लामा मुफ्ती कारी मकसूद अहमद साहब फ्रॉम न्यू जर्सी इज़ हियर टुडे माशा अल्लाह अस्सलाम वालेकुम हजरत कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आप साथ आज खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमारे साथ में आज के पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं असद उल हक साहब एक कारी भी है माशाल्लाह और नाटका भी है माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने तिलावत कुरान पाक की अभी थोड़ी देर पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अहलन व सहलन, माशाल्लाह, मरहबा। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल भाई ने बताया माशाल्लाह, फ्लायर भी मैंने देखा कि आप माशाल्लाह कारी भी हैं, ये भी बहुत बड़ा एजाज है और ये बल्कि फर्ज है, मैं समझता हूँ जरूरी है आज के दौर में कुरान के साथ लोगों को जो है आशना करना और उसका शौक पैदा करना। और आवाज भी आपकी बहुत खूब है, अल्लाह ताला खैर बरकत अता फरमाए। तो आमीन आमीन। वो भी मैंने आपकी एक नात तो मैंने देखी थी अपने असद साहब, आपकी जो फेवरेट नात है वो कौन सी है आपकी? मैंने आपकी कोई ना कोई तो फेवरेट होगी ना, वैसे तो बहुत सारी सभी फेवरेट नात होती है पर जो आपकी फेवरेट नात है वो पहले आला हजरत के कलाम से शुरू कराए ना। अरे हाँ आला हजरत की हाँ जो आपको पसंद है वो अगर दिल बिल्कुल पेश कर कैन यू हियर अस? आला हजरत जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। आलम जाती नजीरों कफी नजर लम जाती जीरो कभी नजर तो ना सुभान अल्लाह शुद्ध जाना जे तोरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना अल बहर मन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पे
कसो तूफा शुरु धार में बिगड़ी गवा मुरी नैया लगा जाना पार लगा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब रे करूं पाके अब रे करूं हारे देव झिम झिम दो बूंद इधर बिगड़ा जाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा इरशाद अहिबाना तक था ना चा अरिस राग पड़ा जाना लम्याती मिसले तो ना शुद्ध पैदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो जो है ना एक नाज शरीफ जो आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं अपनी निस्बत से मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी निस्बत हाँ जी वो जी प्लीज अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ इस कर्म की बदौलत बड़ा हूँ उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में देखने वालों मुझको न देखो देखता अगर तो ये देखो देखना है अगर तो ये देखो कि किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं कौन वाली है कि
किसका गदा सुभान किसके दामन से वाबस्त हूँ, मैं कौन वाली है किसका गदा सुभान अल्लाह सुभान हूँ, अल्लाह इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, तो जो बुरों को समेटे हुए हैं उनके कदमों में मैं भी पड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हूँ, सुभान अल्लाह जो को समेटे हुए हैं सुभान उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ, अल्लाह माशाल्लाह उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हूँ। मैं सुभान अल्लाह हजरत वो असद भाई आई एम सॉरी असद साहब, बस 1-2 मिनट के लिए मैं आप हजरत से मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने क्या कि हजरत जो लोग जरूर जरूर मोस्ट वो मैं एक एक मतलब एक सवाल पूछना था मुझे हजरत से कि भाई जो लोग अपने से यूँ सामने देखते हैं तो अपने साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, मगर उनके दिल में जो ये होता है ना क्या कहते बॉक्स, ऐसे लोगों के लिए अपने क्या करना चाहिए? उनको उनके लिए दुआ भी दे सकते हैं, उनके लिए ऐसी दुआ कर सकते हैं कि इनको क्या करें अपने यार, आई डोंट नो व्हाट टू से समटाइम। दुआ तो हिदायत की दुआ, इसलाह की दुआ और कोशिश इनके तो लिए ना करनी ऐसे तो पड़ेगी। निवार दुआ नहीं कर सकते कि भाई इनको हाँ जरा दफा करो इसको। बस उनके उस अमल जो है ना, देखें यहाँ पर एक बड़ी खास बात है कि आप मरीज जो है ना, जब कोई बंदा बीमार होता है तो उस पेशेंट से, मरीज से नफरत नहीं करते, बल्कि जो उसका मर्ज है, बीमारी है, उससे नफरत करते हैं। तो उस शख्स से, वो मुसलमान भाई है, अब हम उससे तो नफरत नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर जो बीमारी है, जो खामी है, वो उसकी इसलाह के लिए हम कोशिश करेंगे और उस मर्ज को बुरा जाना। तो और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन शख्स वो है जो दो चेहरों वाला है, और हाँ राइट कयामत के दिन भी वो आएगा और उसको जो अजाब दिया जाएगा वो भी अहदीस में बयान किया गया। तो इसे पसंद नहीं किया गया कि इंसान जो है वो ये तो कुरान में मुनाफिकीन जो है ना, असल में मुनाफिकीन की जो निशानियां बनाई है बताई हैं, उनमें से ये निशानी है कि वो एक चेहरा रखते हैं फिर दूसरा चेहरा रखते हैं, एक तरफ कुछ बात कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ बात कहते हैं। तो जो ईमान वाले होते हैं वो हक बात कहते हैं, चाहे वो कड़वी हो। इसलिए ऐसे लोगों से अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए, उनके शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, और उनके लिए कोशिश करें कि उनकी इसलाह हो जाए। बाकी हिदायत देना, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, कि आप जिसको चाहें आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो सिर्फ उसको मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत ही, ये एक हदीस में आता है, आपने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां, इजा हद्दसा कज़ाबा, बुखारी शरीफ, जब बात करे तो झूठ बोले, और इजा वादा अखलाफा, तो वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अपना वादा पूरा ना करे, इजा तुमेना खाना, और जब उसे कोई अमानत दी जाए तो उस अमानत में खयानत करे, बददियानती करे। तो ये मुनाफिकत की निशानियां, ईमान की निशानियां और इस्लाम की निशानी और सच्चा मोमिन होने की निशानी ये है कि इंसान जो है वो गलत बात नहीं कहता, झूठ बात नहीं कहता, बल्कि उसका दिल और उसकी जुबान जो है वो एक होते हैं। और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, हकीम लुकमान है ना, उनका कुरान में जिक्र है, एक पूरी सूरत है लुकमान, बाद में तो कहा कि शायद वो नबी थे, बहरहाल ये एक अलग बात है, लेकिन इस बात पर सब उलमा मुत्तफिक हैं कि वो बहुत ही दाना आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे। तो उनके आका ने एक बार
उनके मालिक ने, आका ने कहा, एक जानवर उनको दिया कि ये जिबा करके ले आओ, बकरा दुम्बा, तो और इसमें से जो सबसे अच्छी चीज है वो ले आओ। तो वो गए और उन्होंने उसको जिबा करने के बाद उसकी जुबान और उसका दिल, वो दो चीजें ले आए। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मालिक ने फिर एक और बकरा दिया, कहा कि अब इसकी बदतरीन चीजें ले आओ। तो अब जिबा करके फिर भी वो वही दो चीजें ले आए, जुबान ले आए और दिल ले आए। तो उनका मालिक पूछने लगा कि सबसे बुरी भी ये है, सबसे अच्छी भी ये है, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तो हकीम लुकमान ने ये इरशाद फरमाया, वो कहते हैं अगर ये दोनों पाक हों और ये दोनों एक हों, जो इधर हो वो इधर हो, जो इधर हो वो इधर हो, तो इनसे आला चीज कोई नहीं है। और अगर ये दोनों नापाक हों, या एक कुछ कहे और दूसरी कुछ कहे, तो इनसे बदतरीन कुछ है। सही है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी वैसे। पर बहुत सारे लोग ऐसे देखने मिलते हैं कि, सही बात है। हाँ, कि अपने को ऐसा होता है कि अपने इनके बारे में क्या अच्छा सोचते हैं, और ये बाद में जब पता चलता है कि ये सच काइंड ऑफ लाइक नो, ये जो बुक्स है ना अपना, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस लगी है, तो हुजूर ने फरमाया अभी जो एक बंदा मस्जिद में आएगा वो जन्नती है। अच्छा, वो आए हैं और आके बैठ गए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मैंने उस बंदे को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन फिर मजलिस हुई, हुजूर ने फिर फरमाया कि अभी जो बंदा आएगा ना वो जन्नती है। फिर वही शख्स, तीन दिन ऐसा हुआ, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा हजरत मेरा कुछ घर में कुछ मसला है, तो मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, तो वो तीन दिन उनके घर में रहा। वो घर जाते अपना रूटीन जैसे है ना, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर पहुंचे हैं, खाना खा सो गए, सुबह फजर पड़ी है, कोई एक्स्ट्रा इबादत उनको नजर नहीं आई। तो अब्दुल्ला बिन अमर बड़े हैरान थे, तो जाने से पहले तीन दिन जब मेहमान खानी हो गई, तो जाते हुए कहा कि मुझे कोई मजबूरी नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहता था, देखना चाहता था कि आप क्या अमल करते हैं, कि अल्लाह के रसूल तीन दिन से फरमा रहे हैं कि ये बंदा जन्नती है, तो मुझे कोई अमल नहीं नजर आया। तो उन्होंने कहा अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, जब मैं रात को सोता हूं तो मेरा दिल दूसरों के बारे में बिल्कुल साफ होता है, मैं किसी मुसलमान का बुक्स, कीना, चैलसी, ग्रजिस, हसद ये अपने दिल में नहीं रख के सोता। और आप देखें ये जो डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये इतनी सारी बीमारियां इसी वजह से होती हैं। तो कहते हैं मैं इस वजह से सोता हूं, और ये चूंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये हुजूर ने मुझे तालीम फरमाई। कितना बड़ा मकाम है कि इंसान दूसरों के बारे में अपना दिल जो है वो साफ रखे, और बदगुमानी ना करे, और बोग्स ना रखे, ग्रजिस ना रखे। ये रमजान मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक सबक है, ये एक दर्स है, एक लेसन है कि हम अपने आमाल की इसलाह करें। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया, एक औरत बहुत नमाजें पढ़ती है, बहुत रोजे रखती है, बहुत नेक काम करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को ईजा देती है, तकलीफ पहुंचाती है। बाज हदीस में अपनी जुबान से लोगों को ईजा देती है, और बाद में यह पड़ोसियों को तकलीफ देती है। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी है। और फिर एक दूसरी औरत का जिक्र हुआ कि वो नमाज और रोजा तो बस जो फर्ज वाजिबात तक है इतना ही करती है, और सदका खैरात भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ये जो कोई मक्खन बच गया या चीज बच गई, पनीर, थोड़ा बहुत वो सदका खैरात करती है, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाती। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। इसलिए हमें दूसरों के दिल नहीं दुखाने चाहिए, दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, दिल में बोझ नहीं रखना चाहिए। अगर मुझे आपकी कोई बात इकबाल भाई अगर अच्छी नहीं लग रही, तो बजाय इसके कि मैं आप उसके कहने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आपने वो सुना होगा ना कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो वुजू कर रहा था, और वो उसको वुजू सही नहीं आ रहा था, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने देख लिया, तो
उन्होंने कहा ये चचा जान है, ये बूढ़े हैं, अब अगर हम इनको कहें कि तुम्हारा वजू गलत है तो इनका दिल टूटेगा। तो वो दोनों उन्होंने ये एक तरकीब बनाई, कहा कि चचा जान हम दोनों में एक मुकाबला है, हम दोनों वजू करेंगे, तो आपने हमें ये बताना, आप जज हैं, कि किसका वजू सही है। तो वो जब दोनों ने वजू किया तो वो जिस शख्स को उन्होंने कहा कि भाई आप देखें, तो वो जब वजू खत्म हो गया उसने कहा बेटा तुम्हारा वजू सही है, असल में मुझे वजू सही नहीं आता। ये भी बड़ी मतलब है कि आला सरफी होती है कि आप किसी की इसलाह कर दें और उसकी दिल आजारी ना करें, उसको मतलब महसूस भी ना हो, इस तरीके से उसकी इसलाह करें। अब ये नहीं मसलन आपने नमाज में मसलन आपको कोई गलती लग गई है या किसी और अमल में, तो मैं 10 बंदों में आपको जो है वो बना के जलील कर दूं, ये बात सही है। तो इसलाह का एक तरीका है, अकेले में बुला के उसको समझाया जाए कि भाई ये तकलीफ मुझे आपसे पहुंची है या मैंने आपसे ये जुमले सुने हैं मेरे बारे में, तो वो जब वन वन आप कर लेंगे ना तो 80-90% तो मसला वैसे ही खत्म हो जाएगा। राइट राइट, यार सही है। अपने इस पे और भी मजीद बातें करेंगे क्योंकि जेलसी और ये जो है ना ये हसद, ये बहुत जरूरी है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज़ वो सब बहुत ही लाइक यू नो अभी चला हुआ है सब, दे आर जस्ट लाइक यू नो पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स एंड बस जिसके मन में जो आया वो, इतने सारे मैसेजेस और फोन कॉल्स में भी बातें होती है, कहने की बात नहीं कि आई जस्ट मैं बोलता हूँ जस्ट स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई डू। बस अल्लाह ताला सारी भाई रमजान में इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा, जो इस्तिग़फ़ार हम करते हैं ना, इस्तिग़फ़ार करने का मकसद यही होता है कि हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, सही है, और हम अपनी इस्लाह करना। जज़ाकअल्लाह बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। मैं अब अरशद साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी फरमाइशें भी आ चुकी है, तो प्लीज कसीदा मुद्दा शरीफ पे प्लीज, और अभी तक किसी ने हाँ सुनाया था पर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं प्लीज। अच्छा मैं किसी ने बोल रखा है ना कसीदा मुद्दा शरीफ किसी यहाँ लिखा लिखा फरमाइश مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وافق عليه محمد سيد الكونين وافق عليه والفريقين من عرب ومن जगा भी हो वहीं से दोस्त सरकार सुनते हैं, जगह भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते गए, सरे आईन सुनते बसे दीवार सुनते गए, मैं सदते जाऊं उनकी रहमतुल आलमीन के पुकारो चाहो जित बार वो हर बार सुनते हैं मोहम्मद सैयद कौन ने वासा वफरी कहने मिन صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله سبحان الله سبغت
आवे कोई बटता है बड़ा नूर का सुबह बटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा सुभान अल्लाह दे सुभान अल्लाह। चांद नूर का तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा 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 नूर नूर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरा सब सब घराना नूर का والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته كل كون من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तनम फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह तनम फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह पजमुर्द आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह चुसुए मन गुजर आरी मने बिसर की जदादारी फिदाए नक्ष नादे लत को नम जाया रसूल अल्लाह مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. اور حضرت اپنے کون سی ایک نعت تھی دو تین نعت کی فرمائش مگر وہ اردو میں ہوتی تھی مفلسِ زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ عشق نبی اس قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروم ایک پتھر کو آئی نگر مل گیا مفلس زندگی
उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ। कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, दीवाना हूँ उनका मजज़ूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़ादे सफर मिल मैं हजरत अभी कितना अभी 45 मिनट्स होने 40 मिनट्स होगी ऑलरेडी, तो एक और मुख्तसर सीन आप गौसपाक की ना मनकबा सुना दें तो वो होगा हो जाएगी क्या, या तो फिर जरा कौन सी जो भी आपको पसंद है। बलबरी जी मैं पेश कर देता हूं, हमारे जो तारिक जावेद साहब है ना, उन्होंने मुझे आपसे आपसे जो जिक्र किया था तो कहने लगे मुझे एक नात का ये शेर जरूर सुना देना। अभी वो मुखाले जी जरूर 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 नहीं 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 कोई बात नहीं इंशाल्लाह नहीं प्लीज। और भी कोई अगर ऐसी है आपको लगा है, मुझे एक्चुअली में ना उर्दू में नहीं, अगर वो कोई नहीं मैं पेश करता हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। खाक मदर आलम अनवार से निस्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक मदर आलम हूँ खाक मगर आलम से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं ले सरकार से निस्बत, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं ले सरकार की शहंशाही, रखता हूँ मैं ठोकर पर दुनिया की शहंशाही, रखता हूँ मैं ठोकर पर कोने ने के उस मालिक को मुख्तार से इस बात है, कोने ने के उस मालिक को मुख्तार से इस बात है, मैं कुछ भी नहीं लेक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे, बेशक सुभान अल्लाह। सर झुक नहीं सकते सरे महशर भी हमारे, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए ऊंचे हैं के सरदार से निस्बत है, ऊंचे हैं
सरदार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं ले। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। असद हाँ असद साहब प्लीज एक मनकबत जो भी आपको अच्छी लगती है वो। इमदाद कुन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदे गम निमदाद कुन निमदाद कुन बंदे गम आजाद कुन तरनीनो दुनिया शाद कुन तरनीनो दुनिया शाद कुन या हुसैन आजम दस्तगीर। हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। इमदाद कुन इमदाद कुन सुभान अल्लाह आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इसके तो बहुत सारे आसार है, आपने तो बहुत मुख्तसर सी पढ़ी। वाह कोई बात नहीं, ये बहुत फेवरेट है मेरी। हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छा अच्छा बहुत खूबसूरत ये नहीं मन का बात है, पढ़ते तो जोश आ जाता है एकदम। बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ना ये मन का बात माशाल्लाह बस बात। तो जज़ाकअल्लाह थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मैं अभी हजरत से कहूँगा कि दुआ फरमा दें हजरत, तो फिर अपने लाइक ना آمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أمالك ولا يا أرحم الراحمين ہماری نماز کو ہمارے روزوں کو ہماری عبادات کو اس محفلات کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما یا رب العالمین، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین، رمضان اور روزے کی برکت سے ہمارے من کو صاف فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما یا رب العالمین، سے حسد کینہ بغض نفرتیں نکال دے یا رب، ہمارے سینوں کو یا اللہ نور ایمان سے مروت فرما، نور قرآن سے مروت فرما، اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت سے معمور فرما یا رب العالمین، سب کے گھروں میں اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آمین یا رب العالمین یا رحم الرحمین. آج غزوہ بدر کی یاد کا دن ہے یا رب العالمین، یا اللہ جس طرح اس وقت انہیں 313 مسلمانوں کو 1000 کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائی، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر یا اللہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، غربت افلاس اور لاچاری اور بیماری کے عالم میں ہیں یا رب العالمین، اپنے خزانے غیب سے اسلام اور عالم اسلام کو عزت اور وقار اور سرخروئی عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہر طرح کی بیماری سے غربت سے افلاس سے نجات عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، شان و شکر عطا فرما، مسلمانوں کو وقار عطا فرما یا رب العالمین، عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ، کل بلاد اسلامیہ کی خیر فرما یا رب العالمین. جن جن احباب نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے اقبال بھائی کو دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے قاری اسد الحق صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا، یا ہمارے اس پروگرام میں جو ساتھی ٹائپ کرتے ہیں دعاؤں کے لیے یا اللہ، یا جو نہیں کہہ سکے دلوں کے اندر ان کی دعائیں ہیں یا اللہ، تو سب کے نام اور کار سے واقف ہے، سب کی نیک دعائیں قبول منظور فرما یا رب العالمین، سب کو کورونا وائرس سے، ہر مرض ہر بیماری سے محفوظ اور معقول فرما،
قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. یا رب ابن مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا واسع الکرم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی صحابہ اجمعین برحمت اللہ. حق لا الہ الا اللہ. میں پھر سے سب جو دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں اور ان سے سب کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ 5:30 کو. اور اسد الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے پوری فیملی کو اور ہمارے لیے بھی دعا میں یاد رکھنا. حضرت آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.